हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत करता हूँ फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे राइडर टेल्स 555। स्टैचू ऑफ यूनिटी टू नासिक का ये जो सफ़र है, ये पार्ट नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। आज ये जो व्लॉग है वो अभी वगई घाट से शुरू कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि ये घाट सेक्शन बहुत ही अमेजिंग है और ये घाट सेक्शन मेरा बहुत फेवरेट होने के वजह से आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए व्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज के व्लॉग देखने के लिए। बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक लिया क्योंकि ये अभी घाट सेक्शन शुरू हो रहा है और मेरा जो मेमोरी कार्ड है वो फुल हो गया है। इस बार मैंने कुछ डाटा कॉपी नहीं किया, जो भी मेमोरी कार्ड में है कंटिन्यूस शूटिंग ही करता रहा, तो इसलिए अभी मेमोरी कार्ड चेंज कर लिया है और अभी वगई में थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे, फिर घाट सेक्शन शुरू होगा। तो शूटिंग तो बनता है घाट सेक्शन का आपको दिखाने के लिए, वगई का जंगल, तो इसलिए फिर हम दोनों रुके हुए थे और ये मेमोरी कार्ड चेंज हो गया है अपना और फिर से फ्रेश मोटो व्लॉगिंग शुरू हो गया है एक ब्रेक के बाद। अब तक 175 किलोमीटर्स आ चुके हैं, अभी 150 किलोमीटर्स बाकी है यहाँ से अपना घर। बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन जंगल है तो मज़ा है। बहुत ही जबरदस्त, देखिए दोस्तों क्या टर्निंग है, देखिए एकदम मस्त। बहुत ही बढ़िया रास्ता है ये, क्या बात है, सुपर सुपर से ऊपर। अरे भाई अपना व्यू ब्लॉक की कर दिया इसने। हाँ, ये देखिए ये गाड़ी के आगे जाना पड़ेगा क्योंकि फिर पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता है तो मज़ा नहीं आता रास्ते का। बहुत ही बढ़िया जंगल, और जंगल में अपनी हाईनेस बहुत ही बढ़िया रोड पे परफॉर्म करती हुई। आहा, क्या बढ़िया घाट सेक्शन है दोस्तों। ये है वगई नेशनल पार्क का गेट, मैंने आते समय आपको मेरे को नहीं दिखा, लेकिन ये जो है वगई राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे आप सफारी के लिए जा सकते हैं यहाँ से अंदर, मस्त एकदम बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये फैमिली टूर के लिए वगई नेशनल पार्क। छोटी सी सफारी है उधर और अच्छे अच्छे बर्ड्स आपको देखने मिलेंगे और अंदर बहुत ही घना जंगल है। अभी ये क्लिप के बाद मैं वहाँ का कुछ फोटोग्राफ्स, मेरा बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफ्स मिले थे मुझे, मैं वो डाल दूँगा। क्या प्यारा ब्रिज है, देखिए दोस्तों सुपर,
ये पेरे ब्रिज पे अपनी बाइक मस्त एकदम सुपर। वो ही नेशनल पार्क के बारे में आते वक्त हम मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों ये बारिश में यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा पानी रहता है ये नदी में। ये देखिए आप, ये पूरी नदी रहती है और बारिश में बहुत ही प्यारा मौसम रहता है वाजदा में। और अभी है ना, ये पेड़ों के नीचे से जा रहा हूँ तो पूरा ऐसा एक शॉवर गिर रहा है पानी के जैसा कुछ। हर मौसम में कुदरत का जो है अपना ही कहर होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है हर मौसम में कुदरत। अभी इतनी तेज धूप है तो भी यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पूरा जो है, ये पूरा घाट का एक स्पेशल ब्लॉग बनाना चाहिए। मतलब कुछ भी कट नहीं करना, ये घाट मस्त एकदम शूट करना चाहिए। अपुतारा तू आजा। मस्त लगेगा एकदम बारिश के सीजन में, ये पूरे घाट का व्लॉग, स्पेशल घाट का व्लॉग बनाना चाहिए। तो दोस्तों कैसे लग रहा है आपको मेरे व्लॉग्स? होप आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो और इस तरीके से मोटो व्लॉगिंग देखना पसंद करते हो तो ज़रूर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके के व्लॉग जिनको पसंद है आपके फ्रेंड्स और फैमिली में, उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा तो वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद। यू आर वॉचिंग राइडर टेल 555। दिस इज योगेश बी तांबट फ्रॉम नासिक। दोस्तों एक्चुअली ये कितने भी जंगल में से अगर हम लोग जा रहे हैं और व्लॉगिंग कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कैमरा ही अपना दोस्त है और अकेला बिल्कुल फील नहीं होता है कि इतने घने जंगल में मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ। अपने सब ग्रुप के दोस्त है आगे, लेकिन समझो अभी मैं अकेला होता था तो ऐसा फील ही नहीं होता है कि अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि हम बातें करते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि YouTube की जितनी भी मेरी फैमिली है वो मेरे साथ में अभी पूरे टूर पे चल रही है। अभी देखिए दोस्तों, वो जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो तो उसका बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफ्स है मेरे पास। ये जो घर दिख रहा है, घर के जैसा, वो फॉरेस्ट का कुछ लग रहा है, वो उसका बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफ है ये। इसके बाद में वो फोटोग्राफ्स आपके लिए डाल दूंगा। और वो बारिश के सीज़न का फोटो है, वो डाल दूंगा। लगभग 8 से 7 साल पहले का है वो, 7-8 साल पहले का। ज़रूर देखिए ये फोटो। और ये बेहतरीन हेयर पिन बैंड यहाँ पे अपनी हाइनेस ऊपर चढ़ती हुई खतरनाक वाले टर्न पे।
अभी ये सापुतारा का जो है घाट शुरू हो गया, पूरा इंक्लाइन है ये घाट। और जब सापुतारा एंटर करते हैं तो और भी ज़्यादा इंक्लाइन है वहाँ पे। वहाँ पे ट्रक्स वगैरह ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो होना पड़ता है उनको वहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ। टर्निंग पे ओवरटेक नहीं करने का भाव, टर्निंग पे ओवरटेक नहीं करने का। क्या सुपर घाट है देखिए दोस्तों, और कलर देखिए पेड़ों के, रेड रेड ब्राउन, लेटा लेटा के चला रहे हैं गाड़ी यहाँ से। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है लेटाने का, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना लेटा लेटा के चला रहे हैं गाड़ी। ज़िगज़ैग टर्न, इसलिए मुझे ये व्लॉग करना है पूरा। अभी बीच में मैं कट कर रहा हूँ ना छोटा छोटा पीस, तो ये कंप्लीट घाट दिखाना है एक बार। बढ़िया, तो दोस्तों वो जो ऊपर व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है वो है सापुतारा। ये देखिए यहां से दिखता है, वो देखिए वो सापुतारा का ऊपर का छोर है वहां पे। यहां से दिख रही है कुछ होटल्स वगैरह, तो उधर जाने का अपने को ऊपर। ये सबसे स्टीफ, मैं जो बोल रहा था आपको, ये जो चढ़ाई है ये सबसे स्टीफ चढ़ाई है, और तुरंत सापुतारा आ जाते हैं हम, एंटर करते हैं ये चढ़ाई के बाद। हमने उधर से नीचे से देखा था ये स्पॉट, अभी तुरंत ऊपर आ गए। इतनी स्टीफ चढ़ाई है ये, 3 किलोमीटर की शायद से, 3-4 किलोमीटर की। ये देखिए कितनी स्टीफ चढ़ाई है, देखिए दोस्तों वो गाड़ी बंद हो गई देखिए बीच में। उनका कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया, बीच में ही गाड़ी बंद हो गई उनकी। इतनी स्टीफ चढ़ाई है, इतना रिस्की है ये वैसे देखा गया तो। फर्स्ट सेकंड पे ही चलाना पड़ता है यहाँ पे, और जो बड़ी गाड़ी है वो ऐसे मतलब एकदम, अभी वो तो मतलब कैसे उनको आदत नहीं रहेगी शायद, इसलिए वो गाड़ी बंद हो गई। और अपर गियर में रहेंगे वो तो, और फैमिली मतलब थी पूरी भरी हुई थी गाड़ी, तो लोड नहीं ले पा रही होगी। एसी बंद करना चाहिए ऐसे वक्त में तुरंत, अगर आपकी गाड़ी लोड नहीं ले रही है तो तुरंत एसी बंद कर दो, गाड़ी फटाक से चढ़ जाएगी ऊपर, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस। अभी अपने बाइक को थोड़ा आराम देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में चल चुकी है गाड़ी। और बहुत स्ट्रेस आता है इस तरीके की चढ़ाई में, तो अभी सिंगल सीटेड हूँ मैं। ये देखिए ये बिल्डिंग्स दिख रही थी नीचे से अपने को अभी 5-10 मिनट पहले, और तुरंत ऊपर आ गए हम।
और ये आ गए सापुतारा। यहाँ से आगे ये देखिए पहुँच गए सापुतारा, वो बिल्डिंग दिख रही थी वाइट कलर की, और ये एंटर कर गए सापुतारा। ये देखिए आ गए। अभी यहाँ पे हमारे सब दोस्त लोग रुके हुए होंगे, तो यहाँ पे एक लिया गया था गन्ने के जूस का ब्रेक। बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट होके आए हैं सब इतने धूप में गुजरात से महाराष्ट्र में। कसो काय मंडळी, अब तक जो है दोस्तों 42.9 का एवरेज मिला है, 42.9। तो दोस्तों ये है जज्बा राइडिंग का। आप मेरे सामने जो बुलेट जा रही है वो देख सकते हैं, उनका राइडिंग का जज्बा देखिए। बहुत ही बढ़िया ये दोनों बुलेट पे जा रहे हैं। बहुत ही पुरानी बुलेट है, मेरे ख्याल से डीजल की बुलेट है ये, और ये बुलेट पे दोनों जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त। तो ऐसे नायाब चीज़ें दिखती है रोड पे। बहुत ही ज़्यादा उनका एज था, और आंटी भी जो है वो काश्ती साड़ी पहन के बुलेट पे पीछे बैठी थी। बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे वो। तो दोस्तों होप आपको पोईचा नीलकंठ धाम और स्टैचू ऑफ यूनिटी के ये व्लॉग्स पसंद आए होंगे। ये खूबसूरत नज़ारों के साथ हमेशा की तरह ये सीरीज़ का आखिरी व्लॉग यहीं पे करता हूँ ख़त्म। तो दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ का आखिरी व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। टाटा, गुड बाय। दिस इज योगेश बी तंबट फ्रॉम राइडर टेल 555। सी यू सून ऑल इन द नेक्स्ट बेस्ट व्लॉग।